तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। आप सभी को बता दूं, फिर से इंडिया के अंदर टिकटॉक वापस आने वाला। मजा आएगा ना भिड़ो, पहली सी नागिन निकाली। लेकिन सवाल ये है कि जितने भी अकाउंट है जिसपे लाखों मिलियंस फॉलोअर थे, कि वो जैसे के वैसे वापस आने वाले हैं ये नहीं है। और गाइस साथ साथ सभी को बताने वाला उसका जो नाम है वो बदल के आने वाला है, लेकिन वो कौन सा नाम रहेगा मैं आप सभी को वो बताने वाला। और उसके बाद मैं आप सभी को जो बताने वाला हूँ कि आखिर टिकटॉक इंडिया के अंदर कब तक वापस आएगा, उसकी आखिर डेट क्या है। तो ये सारी चीज़ें बताने से पहले आप सभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी लाइक कर दीजिए, हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप सभी को इस तरह के अपडेट देते रहता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फटाफट बेच, फटाफट बेच, टाइम पास मत कर। तो गाइस जैसे आप सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर टिकटॉक को क्यों बैन किया गया था, किस कारण की वजह से इंडिया के अंदर टिकटॉक को बैन किया गया था, अगर आपको पता नहीं तो मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूं, इंडिया के अंदर 59 चाइनीज ऐप को बैन किया गया था। ये बुनियाद पे कि हमारा डाटा चुरा रहे हैं, हमारे डाटा को लीक कर रहे हैं। और साथ से आप सभी को पता होगा कि टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा गंदगी, अश्लील वीडियो जो कि हमारे यूथ, हमारे बच्चे इंडिया के देखते थे। तो गाइस सरकार ने सारी चीज़ें देखते हुए टिकटॉक को इंडिया के अंदर बैन कर दिया था, लेकिन सरकार को क्या पता था कि हम एक टिकटॉक बैन करेंगे और हज़ारों टिकटॉक वापस आ जाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि टिकटॉक इंडिया के अंदर बैन होने के बाद कई सारे शॉर्ट ऐप हो चुके हैं, जगह जोश है, मोज ऐप, और यहाँ तक कि इंस्टाग्राम ने फीचर निकाल लिया, यूट्यूब ने फीचर निकाल लिया, और ऐसे कई सारे हज़ारों ऐप मतलब इंडिया के अंदर आ चुके हैं टिकटॉक बैन होने के बाद। लेकिन आप सब बता दो, इन सारों ऐपों की छुट्टी होने वाली है, क्योंकि फिर से टिकटॉक इंडिया के अंदर वापस आने वाला है। जिस तरह से आप सभी को पता हूँ पबजी इंडिया के अंदर बैन हुआ था वो वापस आया, उसी तरह से आप सबको बता दूँ इंडिया के अंदर टिकटॉक वापस आने वाला है। लेकिन उसका नाम क्या रहने वाला है, वो कब आने वाला है, और उस पर जो अकाउंट है वो क्या पूरे पूरे वापस आएंगे या नहीं। तो आपको सबसे पहले बता दूँ, जो भी टिकटॉक पे अकाउंट है जिसमें मिलियंस ऑफ फॉलोअर, लाखों फॉलोअर थे, वो जैसे के जैसे इंडिया के अंदर वापस आने वाले, मतलब आप सबको बता दूँ एक वीडियो भी डिलीट नहीं होगा और एक फॉलोअर भी कम नहीं होगा। और इसी के साथ आप सभी को बता दूँ टिकटॉक का नाम अब बदल के आएगा, जिस तरह से पबजी का नाम बदल के आया उसी तरह से टिकटॉक का नाम भी बदल के आएगा। जैसे आप सभी को मैं इसकी भी दिख ही रहा हूँ, टिकटॉक का नाम ये बदल के आने वाला है टिकटॉक, हालांकि मैं शायद गलत पढ़ रहा हूँ, आप इसे सही पढ़ लेना। और गाइस सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इंडिया के अंदर टिकटॉक वापस कब आएगा। ये सारी चीज़ें तो मतलब है, लेकिन इंडिया के अंदर वापस कब आएगा उसकी डेट क्या है। तो आपको सबसे पहले बता दूँ, टिकटॉक को बाईडांस कंपनी ने खरीदा, अभी उस पर काम चालू, और ऐसी बहुत सारी खबरें निकल के आ रही है कि इंडिया के अंदर टिकटॉक दिसंबर में वापस आ सकता है। तो गाइस जिसकी भी टिकटॉक पे अकाउंट है जो टिकटॉक को वापस देखना चाहते थे, उन सबके लिए एक बहुत बड़ी गुड इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, क्योंकि फिर से टिकटॉक इंडिया के अंदर वापस आएंगे और सारे ऐपों की छुट्टी होने वाली है। तो गाइस मैं छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन, आप मुझे कमेंट करके बताना कि इंडिया के अंदर जिस तरह से टिकटॉक वापस आने वाला है तो आप इसको लेकर कितना एक्साइटेड है। और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका टिकटॉक पे अकाउंट था, या आप टिकटॉक पे वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और गाइस साथ साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचे।